दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को शानदार कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया ने सेंचुरियन के मैदान पर खेले गए बॉक्सिंग डे टेस्ट को 113 रन से जीते हुए इतिहास रच दिया। आपको बता दें कि सेंचुरियन के इस मैदान पर आज तक भारतीय टीम ने कोई टेस्ट मैच नहीं जीता था और वहीं कप्तान के तौर पर विराट कोहली की ये साउथ अफ्रीका में दूसरी जीत है। इससे पहले वो साल 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोई टेस्ट मुकाबला जीतने में कामयाब हो पाए थे और वहीं भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा किए गए इस शानदार प्रदर्शन की प्रशंसा विश्व क्रिकेट के सभी दिग्गज कर रहे हैं, जिसमें भारत के पूर्व महान खिलाड़ी और भारत के 1983 विश्व कप विजेता कप्तान कपिल देव ने भारतीय टीम की जीत पर अपना बयान दिया है। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं क्या कहा महान कप्तान कपिल देव ने भारतीय टीम की जीत के ऊपर। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि विराट कोहली और केएल राहुल में कौन है शानदार बल्लेबाज, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों जिस तरह से भारतीय खिलाड़ियों ने साउथ अफ्रीका की धरती पर अपना शानदार प्रदर्शन किया है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भारतीय खिलाड़ियों को अब विदेश में जीतने की कला समझ में आ गई है, क्योंकि इससे पहले भारतीय टीम ने विश्व के लगभग हर एक देश में अपने जीत का परचम लहराया है और अपने इसी विश्व विजयी अभियान को उसने साउथ अफ्रीका के दौरे पर भी जारी रखा है। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली भले ही व्हाइट बॉल क्रिकेट में शानदार ना रहे हो लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में उनका कोई सानी नहीं है और जिस तरीके से वो भारतीय टीम को लीड करते हैं ऐसा शायद ही कोई और कप्तान कर पाए। वहीं भारतीय खिलाड़ियों ने जिस तरीके से जज्बे का परिचय दिखाया है वो विश्व के किसी और देश के खिलाड़ियों में नहीं है। आज सुबह मैदान पर जब भारतीय खिलाड़ी जीत के लिए उतरे तो उनके अंदर जीत की भूख साफ देखी जा सकती थी और साउथ अफ्रीका के सेंचुरियन मैदान पर खेले गए टेस्ट मुकाबले को 113 रनों के विशाल अंतर से जीते हुए इतिहास रच दिया और वहीं भारतीय खिलाड़ियों द्वारा किए गए इस प्रदर्शन की चर्चा पूरे विश्व भर में हो रही है। आपको बता दें कि टीम इंडिया के द्वारा किए गए इस प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव ने अपना एक बयान दिया है। जी हां दोस्तों कपिल देव ने अपना बयान देते हुए कहा कि जिस तरह से हमारे लड़कों ने विदेशी सरजमी पर अपना प्रदर्शन दिखाया है वैसा प्रदर्शन शायद ही विश्व के और किसी देश के खिलाड़ी कर सकते हैं। उन्होंने हाल ही में संपन्न हुई न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह से न्यूजीलैंड के खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ियों के आगे परास्त नजर आए हैं विदेश में जाकर भारतीय टीम ठीक उसका उल्टा प्रदर्शन करती है और विदेशी सरजमी पर लगभग हर जगह अपने जीत के झंडे गाड़ती है। उन्होंने विराट कोहली की कप्तानी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने जिस तरह से अग्रेसिव कप्तानी की है उसे विपक्षी खेमा पूरी तरह से मुकाबले में बैकफुट पर नजर आया। दोस्तों भारत के पूर्व महान खिलाड़ी और 1983 विश्व कप विजेता टीम के कप्तान कपिल देव का भारतीय टीम के ऊपर ऐसा बयान दर्शाता है कि ये जीत वाकई में एक बहुत बड़ी जीत है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम साउथ अफ्रीका में कोई टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब हो पाएगी या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।